पेशेंस या धीरज ये हमारे सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है। और जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन में, एंग्जाइटी में, उनको पेशेंस बिल्कुल नहीं रहता है। धीरज का फल मीठा होता है ऐसा कहा जाता है, मगर हमको धीरज ही नहीं है, हमको सब चाहिए इंस्टेंट, एंड इंस्टेंट इज नेवर कॉन्स्टेंट। तो आज मैं बात करने वाला हूँ पेशेंस के बारे में। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। देखो, हर चीज़ को टाइम देना ही पड़ता है, आप उसको ऐसा फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर सकते। जो चीज़ को जितना टाइम लगेगा उतना टाइम देना ही पड़ेगा, मगर हम इतने इम्पेशेंट हो जाते हैं कि बस तुरंत रिजल्ट चाहिए, और नहीं तो फिर थोड़ा सा करेंगे बाद में छोड़ देंगे। देखो, बच्चा पैदा होने को 9 महीने लगते हैं, आपने कितनी भी जल्दी कर लिया तो भी 9 महीने लगने वाले, 36 वीक्स तो लगने वाले बाद में बच्चा पैदा होगा। और जो जल्दी पैदा होने की कोशिश करता है उसको बोलते प्री मैच्योर डिलीवरी, और वो प्री मैच्योर यदि बच्चा तैयार हो गया तो उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते रहते हैं, तो उसको पूरे 9 महीने माँ के पेट में देना ही पड़ता है। आप बोलेंगे नहीं नहीं मेरे को टाइम नहीं है, जल्दी होना तो ऐसा होगा नहीं, उसको टाइम उतना लगेगा ही। क्या कि आपको पता है कि चाइनीज़ बाम्बू ट्री का एग्जाम्पल, चाइनीज़ बाम्बू ट्री का जब जमीन के नीचे उसका बीज लगाते हैं तो उसको जमीन के बाहर आने को 5 साल लगते हैं। तो 5 साल उसकी सिंचाई करनी पड़ती है, उसका पालन पोषण करना पड़ता है, 5 साल बाद में वो जमीन के ऊपर आता है, और बाद में 5 हफ्ते में 90 फीट बढ़ जाता है। मगर 5 साल आप देखेंगे अरे कुछ भी नहीं हुआ, कोई 5 साल तो आपको कुछ दिखने वाला है नहीं, पेशेंस जरूरी है। बाद में फिर 6वें साल में वो पूरा पक्का 90 फीट आ जाएगा। तो हर जगह पेशेंस की कीमत है, और बड़ा काम जब करना है तो टाइम तो लगने वाला ही है। एक कुतिया जो थी बीच, वो हाथिनी को मिली, और कुतिया ने पूछा कि क्या आप प्रेग्नेंट है, बोले हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। हाथिनी ने पूछा क्या तुम प्रेग्नेंट है, बोले हाँ। तो दोनों एक साथ प्रेग्नेंट हुई थी। 2 महीने बाद में कुतिया ने 4 बच्चों को जन्म दिया। उसके पास में आए हाथिनी के पास में, बोले तेरा क्या हो गया, बोले मेरा तो कुछ नहीं, बोले मैंने तो 4 बच्चों को जन्म दे दिया। बोले ठीक है। फिर बाद में और चली गई कुतिया, बाद में और प्रेग्नेंट हो गई, 2 महीने बाद में फिर और 4 बच्चे पैदा कर लिए। फिर उसके पास में आई तो हाथी का तो कुछ नामो निशाना नहीं था। फिर 2 महीने बाद में आई तो फिर और 4 बच्चे उसने तब तक पैदा किए थे, तो हाथिनी का कुछ भी नहीं हुआ था। तो फिर कुतिया को रहा नहीं गया, उसने पूछा कि भाई मैंने अभी तक 3 बार तो प्रेगनेंसी निकाल के, मतलब 12 बच्चे निकाल दिए, तेरा तो अभी कुछ नामो निशान भी नहीं है। बोले मैं हाथिनी हूँ, और मैं जब बच्चा पैदा करती हूँ तब ये धरती जो है ना वो हिल जाती है, क्योंकि काम मैं बड़ा करती हूँ, और बड़ा काम करना है तो टाइम लगने वाला ही है। आपको बताऊंगा कि हाथिनी जो है वो उसका जो प्रेगनेंसी पीरियड है वो कम से कम 22 महीने से 24 महीने, मतलब 2 साल के बाद में बच्चा पैदा होता है, और कुतिया का जो है वो हर 2 महीने में दे सकती है बच्चे पैदा करके। तो बड़ा काम करना है तो डेफिनेटली आपको रुकना ही पड़ेगा। एक व्यक्ति है, वो जमीन खोद रहा था पानी के लिए, जमीन खोदने के बाद में 20 फीट खोल दिया, 20 फीट खोदने के बाद में देखा तो पानी नहीं लग रहा, फिर बोले ठीक है यहाँ पानी लग रहा नहीं, छोड़ दो। फिर और कहीं खोदता है, फिर वहाँ भी 30 फुट खोद देता है तो वहाँ भी कुछ पानी लगा नहीं, फिर बोलता ठीक है और कहीं जाएंगे, फिर और वहाँ 30 फुट खोदता है और वहाँ भी पानी लगता नहीं, मतलब 20 और 30 50 और 30 80 फीट उसने खोद दिया जमीन और पानी लगा नहीं। एक ही जगह पे वो 80 फीट जाता था तो पानी शायद लग जाता था, मगर हमको है ना धीरज नहीं है, पेशेंस नहीं है, और उसके कारण फिर हम जल्दी जल्दी करते हैं और फिर काम पूरा बिगाड़ देंगे। केंटुकी फ्राइड चिकन के निर्माता KFC, जो आज दुनिया भर में जिसकी ब्रांचेस है, फ्रेंचाइजी है, आज हमारे अकोला जैसे छोटे सिटी में भी KFC की ब्रांच है, कर्नल सैंडर्स उसके निर्माता थे, उम्र के 62 साल में, 62 ईयर्स में उन्होंने एक रेसिपी बनाई केंटुकी फ्राइड चिकन की, और वो रेसिपी उन्होंने अलग अलग होटल्स में, रेस्टोरेंट में जाके लोगों को बताई कि भाई देखो कितनी अच्छी मैंने बनाई है। 1009 रेस्टोरेंट्स ने उनको नकारा कि नहीं नहीं हमको अच्छा नहीं लग रहा है। 1010वां जो होटल था उन्होंने बोला ठीक है हम ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं इसकी। 1010वां वो रेस्टोरेंट ने वो रेसिपी को लिया, बेचा, और बाद में तो सब पूरा इतिहास है। आज करीब करीब 25,000 आउटलेट KFC के हैं, और वो
बड़े सभी बड़े कंट्रीज में और बड़े शहरों में आपको KFC नजर आएगा, इतना बड़ा काम हुआ है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा बोलता था कि नहीं नहीं मेरी तो उम्र हो गई है, अब तो ज़्यादा काम तो मैं नहीं कर सकता हूँ, इतना लोग नकार रहे हैं, इसका मतलब अभी कुछ होने वाला है नहीं है, ऐसा करता था तो डेफिनेटली कुछ होता ही नहीं था। आज KFC हमारे शहर में आके भी करीब करीब साल भर हो गया है और अकोला जैसे छोटे शहर में KFC खुलता है और बहुत रश वहाँ रहता है। थॉमस अल्वा एडिसन 10,000 एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए इलेक्ट्रिक बल्ब का खोज करने के लिए, 9,999 बार फेल हो गए मगर धीरज टूटा नहीं। और उनको जब पूछा तो बोले मैं 9,999 ऐसे तरीके मैंने खोजे हैं कि जो तरीके अपनाते हैं तो इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज होती नहीं है। J.K. रोलिंग, हैरी पॉटर की लेखिका, कितना सहन करना पड़ा होगा, कितना नकारा होगा लोगों ने, कितने पब्लिशर ने नहीं बोला होगा, 12 अलग अलग पब्लिशर्स ने उसको बोला कि नहीं आपका किताब हम छाप नहीं सकते हैं, आज वो वहीं की वहीं खड़ी रहेगी और आज 50 करोड़ से भी ज़्यादा कॉपीज हैरी पॉटर की खप चुकी है और एक बहुत बड़ी नामांकित लेखिका आज दुनिया में पहचानी जाती है। तो कितना सातत्य, कितना कंटिन्यूटी हमको रखनी पड़ती है। हम एक बार कुछ नो किसने बोल दिया तो हम तो बस ऐसे डाउन हो जाते हैं कि हमको समझ में नहीं आता अभी क्या करना है और हम निकल आएंगे। नहीं नहीं मैं गया तो लोगों ने हाँ ही बोलना चाहिए, अभी नहीं नो, नो सुनना पड़ेगा, ना सुनना पड़ेगा, अपमान सहन करना पड़ेगा और तब आप जब टिके रहेंगे तब डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। उसके लिए चाहिए धीरज, पेशेंस। एक लड़का, एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ स्टोरी के, एक लड़का जो था तो उसके साथ में एक लड़की देखी, उनकी शादी हुई, मैंने देखी मेरे सामने, और लड़का एकदम साधारण था, लड़की बहुत ही स्मार्ट थी दिखने में। तो फिर मुझे रहा नहीं गया, मैंने पूछा कि भाई आपने ये लड़के को पसंद किया है और आपने शादी कर लिया है तो ये कैसा क्या हुआ, ये आपका लव मैरिज हुआ कैसे? तो फिर उसने कहानी बताई कि भाई बहुत सारे लड़के मेरे पीछे आते थे और मुझे बहुत सारे लोग प्रपोज करते थे और मैंने ना बोल दिया, तो जब जब मैंने लोगों को ना बोल दिया तो लड़के एक बार ना बोलने के बाद में चले गए, वापस आए नहीं। ये जो लड़का अभी जो मेरा प्रेजेंट हस्बैंड है, मैं कितने बार भी ना बोला तभी वो डटे रहा और एक दिन मैंने उसको हाँ बोल दिया क्योंकि बाकी सब लोग तब तक चले गए थे, एक ही बचा था। तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई ना बोल रहे हैं, ना सुन रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, तभी आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा। मैंने अभी आपको बताया कि कर्नल सैंडर्स ने जो इतनी सफलता हासिल किया तो उनका एक वाक्य बहुत ही फेमस है कि डू ऑल यू कैन एंड डू द बेस्ट यू कैन, ये आप करते हैं तो डेफिनेटली आप सफलता की तरफ चले जाएंगे। क्या होता है कि हम इम्पेशेंस क्यों होते हैं, इम्पेशेंट इसलिए होते हैं कि हमको सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेंगी ये मालूम नहीं रहता है, उसके बारे में बहुत एंग्शियस होते हैं। देखो यदि मालूम है कि वो नौकरी मुझे मिल जाएंगी और वो इंटरव्यू में मैं पास हो जाऊंगा तो फिर मुझे टेंशन ही नहीं आएगा, मुझे मालूम है कि वो तो मिलने वाले हैं मुझे, वो नौकरी तो मुझे मिलने वाली, मैं तो पास होने वाला ही हूँ, फिर कौन इम्पेशेंट रहेगा, कोई इम्पेशेंट नहीं रहेगा। इम्पेशेंट हम इसलिए होते हैं कि भाई हमको रिजल्ट जो है उसके बारे में बहुत टेंशन है और रिजल्ट को हम बहुत अटैच हो जाते हैं और फिर इम्पेशेंट होते कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, हमको सर्टेनिटी चाहिए, हर जगह सर्टेनिटी चाहिए और फिर उसमें इम्पेशेंट होकर फिर हम कुछ तो भी काम बिगाड़ देंगे। रिजल्ट के प्रति अटैचमेंट रखना मतलब ही ये है कि महाभारत में जैसा भगवान कृष्ण ने बोला था कि कर्मण्येव अधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन, ये हम करते नहीं है, कर्म करते हैं मगर फल की चिंता मत करो ऐसा बोलते हैं भगवान, तो कर्म करते मगर फल की चिंता करते हैं और वो चिंता में इम्पेशेंट हो जाते हैं। अब इसके लिए मेरे पास में और एक तरीका है जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, वो ये है कि आपको यदि लगता है ऐसा कि जो मैं कर रहा हूँ उसका रिजल्ट कैसा आएगा मुझे मालूम नहीं है, पता नहीं क्या होगा, और आप यदि बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं, बहुत टेंशन में है, बहुत एंग्शियस है, पता नहीं क्या होगा, तो बेटर ये है कि आप प्लान बी भी तैयार रखो। यदि आपको मालूम है कि चलो ये फेल हो गया तो मेरे पास में बैकअप प्लान है, मेरे पास में प्लान बी तैयार है, तो फिर शायद आप बहुत ही रिलैक्स रहेंगे, आपको कोई टेंशन आएगा नहीं। तो प्लान बी तैयार करना भी बहुत ज़रूरी है, और प्लान बी आपके खिसे में है और आपको मालूम है कि ये मैं करता हूँ ठीक है प्रॉब्लम नहीं है, असफल हो गया तो फिर आप पूरा खेलेंगे और पूरा काम करेंगे क्योंकि आपको एक सर्टेनिटी है पीछे वाली। एक हमारे दोस्त हैं, उनको हॉस्पिटल के लिए और घर के लिए एक मकान चाहिए था, मकान की कीमत करीब करीब सब मिला के 2 करोड़ थी। वो मैं बैंक का चेयरमैन हूँ तो मेरे पास में आए थे कि भाई बैंक का लोन करवा देना वगैरह, इसलिए आए थे।
फिर वो बोले कि मुझे बहुत डर लग रहा है कि मैं लूँ कि नहीं लूँ, इतना बड़ा हॉस्पिटल, इतना बड़ा जगह, ये होगा नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं। तो मैंने उनको इतना ही बोला कि आप ले लो, रियल इस्टेट कभी भी आपको धोखा देंगी नहीं, जगह भी अच्छी है और आप ले लो। नहीं, बोले 2 करोड़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, मुझे तो ऐसा टेंशन आ गया है, फिर लोन लूँ, फिर ब्याज भरूँ। मैंने देखो, आपको जब भी कभी ऐसा लगेगा कि 2 करोड़ मेरे से अभी नहीं हो रहा है और ये बहुत महंगा हो गया, तो मुझे कभी भी आपने भेज देना, मैं ले लूँगा, आप चिंता मत करो, ये बैकअप प्लान आपके पास में मेरा है। बोले ऐसा आप ले लेंगे? बोला हाँ बिल्कुल, चिंता नहीं, आप ले लो। तो उनको क्या हो गया, उनको एक सर्टेनिटी आ गई कि चलो मैं फेल हो गया तो मेरे पास में बैकअप प्लान है, डॉक्टर केडकर को मैं ये भेज डालूंगा और ये लोन भी ट्रांसफ़र करूँगा और मैं आराम से रिलैक्स रहूँगा। जैसे मैंने बोला, उन्होंने फटाक से लोन कर दिया। आज वही मकान की कीमत 4 करोड़ है, डबल हो गई सिर्फ 2 साल में। मैंने उनको बोला निकालते क्या 2 करोड़ में? बोले क्या बात कर रहे हैं, हंस रहे थे भी आज। तो प्लान बी तैयार रखना ज़रूरी है, और आपके पास में यदि प्लान बी तैयार है तो डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम उसमें आएगा नहीं और आपका पेशेंस बना रहेगा। क्या है कि 10 में से 9 बिजनेसेस एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स फेल हो जाते हैं, 90% बिजनेस फेल होते हैं, और फिर आपको उतनी पेशेंस नहीं है, उतना धीरज नहीं है कि आप वहाँ डटे रहेंगे, आप खो डालते हैं अपना धीरज। तो यदि आपके पास में बैकअप प्लान तैयार होगा तो भी डेफिनेटली आप वहाँ टिके रहेंगे। जैसे आप कार लेके जा रहे हैं और देखो कार यदि पंक्चर हो गई तो आपके पास में बैकअप प्लान है, कौन सा है कि स्टेप नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रिलैक्स रहते हो, फिर आपका पेशेंस कायम रहता है। और स्टेपनी नहीं है और आप कार लेके जा रहे हैं तो आपको रहेगा, अरे भाई बीच में कार पंक्चर होगी तो मैं क्या करूँगा, इम्पेशेंट हो जाएंगे, टेंशन में आएंगे, एंग्जाइटी आ जाएंगे। तो हरदम स्टेपनी है, बैकअप प्लान है, ये यदि है आपको पीछे सपोर्टिंग करने वाला, तो डेफिनेटली आप जो कर रहे हो उसमें आप पेशेंस से काम कर सकते हैं। दूसरा और एक है पेशेंस टिकाने का, कि आपके पास में बहुत बड़ा गोल है तो आप क्या कर सकते हैं कि वो गोल को ब्रेकअप कर दो छोटे छोटे गोल्स में, और छोटे छोटे गोल्स आप हासिल करो ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं कर सकता हूँ। समझे, आपका गोल है कि भाई 10 करोड़ का टर्नओवर करने का है, तो आपको मालूम है कि 10 करोड़ का टर्नओवर आपको एक साल में करना है, तो अपने 1 करोड़ 1 महीने में करना है। तो ये स्मॉल छोटा गोल जो है 1 करोड़ 1 महीने में, चलो छोड़ दो, वो भी 50 लाख ही करेंगे ये महीने में, छोटा गोल है, और 50 लाख का टर्नओवर करेंगे ये महीने में और फिर देखेंगे क्या करना है। तो फिर वो 50 लाख आपको लगता है कि अचीवेबल हो जाएगा ये, और फिर वो आप करेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अगले महीने में आप ज़्यादा और करेंगे। तो बहुत बड़ा यदि गोल है तो टेंशन आता है, तो वो उसको ब्रेकअप करेंगे और वो यदि अचीव करते जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और आपका पेशेंस टिका रहेगा। तो वो भी एक करना जरूरी है कि अपने गोल्स को ब्रेकअप करो, ब्रेक करो। आपने देखा है कि सर्कस में जब झूले पे जो खेल खेलते हैं तो उनके पास में बैकअप प्लान रहता है। एक सर्कस में मैंने बीच में एक न्यूज़ सुनी थी कि वो जो जाली रहती है नीचे नेट, वही ख़राब थी, जैसा वो झूले से हाथ छूट गया उसका, वो जाली भी ख़राब थी, उससे से एकदम ज़मीन पे ही आ गया हो और मर गया। तो झूले पे जो लोग रहते उनके लिए बैकअप प्लान क्या रहता है कि नीचे जाली है, कुछ भी हो गया तभी नीचे वो जाली पकड़ लेंगे और बैकअप प्लान है। तो वो ऊपर से मस्त खेलते हैं और उनको कोई डर नहीं है, उनको मालूम है कि भाई गिरे तभी बचाने वाला है, नीचे जाली है। तो हरदम ये आपने ख्याल रखना है कि आपको सपोर्टिंग बैकअप में क्या है, वो आप देखते हैं तो डेफिनेटली आपका पेशेंस बना रहेगा। और एक दूसरा है कि भाई आपको पेशेंस रखना है तो डेफिनेटली आपको प्लानिंग अच्छी करनी पड़ेगी, स्ट्रेटेजी अच्छी बनानी पड़ेगी। तो प्लान जो है वो आपके पास में तैयार है पूरा, और स्टेप बाय स्टेप आपके पास में एकदम क्लियर विजुअलाइजेशन है, क्लियर पिक्चर है प्लान का, तो आपका पेशेंस बना रहेगा। तो ऐसा बोले जाता है, मैं हरदम बोलता हूँ कि प्लान योर वर्क, आपका जो वर्क है उसको प्लान करो, प्लान योर वर्क एंड वर्क योर प्लान, वो प्लान के ऊपर फिर काम करो, तो वो डेफिनेटली आप सक्सेस की ओर निकल जाएंगे। आपके पास में यदि टाइम का प्रेशर नहीं है, टाइम आपके पास में बहुत फ्रीडम है टाइम का, आपके पास में पैसे का फ्रीडम है, मतलब कोई चिंता नहीं है पैसे की, आपके पास में सपोर्टिंग जो पीछे है, मतलब रिलेटिव्स है या लोग हैं सपोर्ट करने वाले, वो है, तो ये सब बातें आपके पास में हैं तो आपको डर नहीं रहेगा, फियर नहीं आएगा, और फिर आप बहुत ही अच्छे से खेल सकोगे जो खेल खेल रहे लाइफ का। और जितना पेशेंस से आप खेलोगे, जितना शांति से खेलोगे, जितना दिमाग शांत रखोगे, उतना अच्छा काम होगा, अच्छा क्वालिटी वर्क होगा
और आप सफलता पाओगे। तो धीरज का फल मीठा होता है, पेशेंस रखो, और पेशेंस के लिए जो भी मैंने अभी स्टेप्स बताई वो यदि आप करते हैं तो डेफिनेटली आप सफलता की ओर चले जाएंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।